यहाँ पर पैरामेडिकल के नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का प्लस मेडिकल कॉलेज के छात्रों का कुछ आपस में विवाद हो गया था किसी बात को लेके। एक दो दिन पहले कुछ ईगो क्लैशेस हो गई थी, तो उनके ये लोग डीएम साहब के पास गए थे। डीएम साहब ने एक लेटर लिखा था, उसके संबंध में मैंने एक कमेटी बना दी थी। कमेटी आज बनाने के बाद मैं खुद दोनों पक्षों को बुला के समझना चाह रहा था कि ये हुआ क्यों था। इसके पहले सीएमएस साहब इनके झगड़े को सुलटा चुके थे और मामला ठीक हो चुका था। आज जब ये मिलने आए तो किसी बात पर फिर कुछ क्लैश हो गई। क्लैश हुई तो क्लैश होने के बाद एक पक्ष जो पैरामेडिकल के नर्सिंग के छात्र थे वो अभी पूरी भीड़ बनाकर प्रिंसिपल ऑफिस में आए। उन्होंने यहाँ पर शटर वगैरह तोड़ा, तोड़फोड़ की। तो मुझे एसपीसीटी साहब को, सीईओ साहब को रिक्वेस्ट करना पड़ा। वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर आए और वहाँ पर शांति स्थापित की। और बाकी अभी कमेटी बना दी गई है, अभी हम लोग हर हॉस्टल में जाएंगे सारे शिक्षक और देखेंगे कि क्या वजह थी और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ने से रोका जाए। और जो जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, तो मैं तो अभी प्रशासन उसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो उसमें तो नियमानुसार कार्रवाई होगी ही। आप क्या कुछ रिटर्न दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, मैं रिटर्न दूंगा, बिल्कुल दूंगा। ये तो हमारी दायित्व, रिटर्न देना पड़ेगा। सर, कोई छात्रा का भी नाम आ रहा है कि छात्रा को लेकर विवाद हो रहा था लोगों के साथ? नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये सी बातें हो रही हैं लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ है। ये जांच की कमेटी आएगी तभी सिद्ध हो पाएगा कि बेसिक कॉज क्या था। पुराना विवाद सर जो भी बजे रही हो, लेकिन आज भी घटना हुई है, हाँ, उसमें किसकी गलती मान रहे हैं आप? इसमें दोनों पक्षों की गलती है, दोनों पक्षों के ईगो का सवाल है। मैंने देखा दोनों पक्ष बड़ी ईगोइस्ट, जबकि मैंने दोनों पक्षों को समझा के कहा कि देखिए भाई, ये हिस्ट्री ये है कि इतने इतने लोग दंडित हो चुके हैं। पिछले एक महीने के अंदर करीब 70 लोग दंडित हुए हैं, तो देख लीजिए आप, बड़ी प्रॉब्लम होगी। और प्लस इनकी मैंने समस्याएं भी देखी कि भाई जो वाकई में समस्या है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो किसी बात को फिर आज दो जगह क्लैश हुए इनके, पुलिस चौकी में क्लैश हुए, फिर यहाँ पर क्लैश हुआ, उसके बाद फिर ये पूरा बवंडर बना के जो प्रिंसिपल ऑफिस में आए और उन्होंने मतलब क्या किया, मतलब क्या चाहते थे यहाँ पर आके, किसी से बात भी नहीं की, किसी से पूछा भी नहीं, सिंपल तोड़फोड़ चालू कर दी। ये कहना है कि वो आपसे अस्वस्थ होकर जा रहे थे, इसके बाद उनको पीटा गया। हाँ, ये हुआ है। यहाँ से आने जाने के बाद स्वस्थ जा रहे थे, एक पक्ष जो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे जो बाहर खड़े हुए थे, मेरे पास पैरामेडिकल के छात्र आए कि सर मुझे डर लग रहा है कि मुझे मेरी मारपीट कर सकते हैं। तो मैंने मेडिकल कॉलेज के छात्र के सामने खड़े हुए हैं चार, इनको मैंने बुलाया और इनसे मैंने एश्योरेंस लिया अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। उनको मैंने कहा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन छात्रों को कुछ होना नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे एश्योर किया कि सर मैं सर क्या सूचना मिली थी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, क्या बवाल हुआ? पैरा मेडिकल के और मेडिकल के छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया था। इसके बीच में जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इन लोगों ने समझाने का पूरा प्रयास किया दोनों ही पक्ष को, लेकिन फिर भी ये लोग माने नहीं, बीच बीच में झगड़ा हुआ आज। इसके बाद पैरा मेडिकल के छात्रों ने आकर के प्रिंसिपल के कमरे के सामने तोड़फोड़ की है। हम लोगों को सूचना मिली थी, पर्याप्त फोर्स के साथ हम लोग मौके पर आ गए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, तहरीर के आधार पर दोनों ही पक्षों के विरुद्ध FIR पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी जुबान।